योगी कैबिनेट की अहम बैठक हो रही थी आज, जो खत्म हो चुकी है। कैबिनेट की इस बैठक में 33 में से 32 प्रस्ताव पास हुए। बैठक में 32 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे का प्रस्ताव पास हो गया है और ऐतिहासिक इमारतों को लीज पर दिए जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। अब ऐतिहासिक इमारतों को लीज पर दिया जाएगा, बड़ा अपडेट है। यूपी कैबिनेट की काफी अहम बैठक थी जो खत्म हो चुकी है, इसमें कई बड़े फैसले लिए गए। विद्यालयों के शिक्षकों के चयन में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग तथा अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षकों के चयन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों एवं संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन हेतु संबंधित प्रबंध तंत्र एवं परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के व सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व्यावसायिक शिक्षा विभाग के निदेशकों चयन हेतु उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की व्यवस्था विद्यमान थी। लेकिन इसमें विसंगति ये देखने में आई कि यथा समय ये प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते थे तो उससे प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाता था, चयन की नियुक्ति नहीं ठीक से हो पाती थी और उससे शिक्षा प्रभावित होती थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अब इनमें चयन संबंधी दक्षता के लिए एक आयोग बनेगा पूरा, जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के रूप में काम करेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ये विधेयक 2023 इसमें पारित हुआ है। इसके अंतर्गत इसमें 12 सदस्य और एक अध्यक्ष की व्यवस्था होगी। इसका हेड ऑफिस प्रयागराज में होगा और इससे भर्ती की प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता, समयबद्धता और प्रामाणिकता ये होगी। इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पारित हुआ है अपने मंत्रिपरिषद की बैठक में। एक्चुअल में देश में दूर संचार के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और विकास हेतु समयबद्ध रूप से राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित यह है जो आया है मंत्रिपरिषद के समक्ष। तो इसके लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो 15 नवंबर 2016 को इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016 निर्गत किया है उसको क्रियान्वयन में अंगीकार करने के लिए ये प्रस्ताव आया था। इससे 5G रोल आउट में क्रियान्वयन की महत्ता दृष्टिगत आवश्यक बिंदुओं को समाहित किया गया है। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश में 5G के रोल आउट की क्रियान्वयन को गति मिलेगी और 5G सेवाओं में प्रभावी रूप से लागू किए जाने से निवेशकों की संख्या में वृद्धि होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कैबिनेट की इस बैठक में क्या बड़े फैसले हुए, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, ग्राफिक्स के जरिए तफसील से बताएंगे। कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बता रहे हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी मिली इस बैठक में। अब सारे चयन काम इसी के जरिए होंगे। इस आयोग में 12 सदस्य और एक अध्यक्ष होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा।